हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीलिया के बारे में और साथ ही में मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आप 3 दिन में पीलिया यानी जॉइंटेस से छुटकारा पा लेंगे। हो सके तो आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पीलिया क्यों हो जाता है दोस्तों? बॉडी में ब्लू रिबिन नाम का एक पदार्थ होता है जो बढ़ जाता है। जब ये हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारे लीवर पर बुरा असर पड़ता है, और इसकी वजह से लीवर हमारा जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता और लीवर को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और ये ब्लूरबिन नाम का जो हार्मोन है वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है और पीलिया जैसी बीमारी हमारी बॉडी में हो जाती है। इस बीमारी के होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यानी ब्लूरबिन बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पीलिया होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस, पेट का कैंसर, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेना, गंदा पानी पी लेने की वजह से भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पीलिया होता है। पीलिया के लक्षण की बात करें तो इसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स मैं आप लोगों को बता दूं। स्किन, नेल, आँखों पर का जो सफ़ेद हिस्सा होता है आपकी, वो अगर पीला होने लगता है तो आपको पीलिया की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको फ्लू जैसे लक्षण नज़र आ सकते हैं, पेट दर्द रहेगा, हाथों में खुजली, ये सब पीलिया का कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं रेमेडी की। आपको रेमेडी बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ही ज़रूरत होगी, और आपको लेना है 1 गिलास पानी और इसमें 2 चम्मच धनिया के बीज, यानी कि जो धनिया कोरिएंडर सीड्स होते हैं वो आपको रात भर के लिए भिगोकर रख देने हैं। और अब आपको रात भर इसे भीगने देना है और फिर सुबह उठकर आपको इस पानी को खाली पेट पी लेना है। ऐसा आप 3 दिन तक के लगातार करिए, आपका जो पीलिया है, जॉइंटिस की जो प्रॉब्लम है आपको, ये ठीक होने लगेगी। लेकिन आपको ऐसा जब तक करना है जब तक पूरी तरह से आपका जो जॉइंटिस है वो ख़त्म ना हो जाए। वैसे तो 3 दिन में आपको फ़र्क दिखाई देगा, लेकिन आपको इससे जितना हो सके उतना करिए ताकि आपको बहुत जल्दी से फ़ायदा हो। गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो से जुड़ी कोई क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करिए।